बिना कोई पैसे के अगर कोई आपको यूएई के कोई कंपनी में अगर मालिक बना दे तो आपको कैसा लगेगा? है ना सपने सच होने वाली बात। ऐसा ही हुआ है मेरे ही एक सब्सक्राइबर के साथ। आज ये वीडियो पे मैं बताने वाली हूँ क्या हुआ है, तो काइंडली मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे अपना नाम और लोकेशन और जो कंपनी में वो लिंक्ड है उनके डिटेल्स बताने के लिए मना किया है, तो मैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। तो अब चलते हैं वो टॉपिक पे, क्या हुआ है एक्चुअली उनके साथ। देखिए, उनके साथ ये घटना तब हुआ जब वो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और उनको जॉब से उस मोमेंट पे निकाल दिया गया। तब उनके जो एक फ्रेंड है उन्होंने एक आदमी से उनका पहचान करवाया, तो उन दोनों में बहुत बनने लग गई। तो बनने के बाद वो जो आदमी है उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर को बोला कि वो उनको एक दुबई के कंपनी का फ्री में पार्टनरशिप देने वाले हैं और उनको काम के सिलसिले में यूरोप भी भेजने वाले हैं। जो सब्सक्राइबर है उनको ऑफर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उनके बाथ में आके अपने पर्सनल डिटेल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उनको वीजा भी मिल गया, जो कि पार्टनरशिप वीजा यूएई के कंपनी का। उसके बाद ही 1 महीने के अंदर अंदर ही वो आदमी ने मेरे पार्टनर को वो कंपनी से निकाल दिया। जो कंपनी मतलब कि उन दोनों का जो पार्टनरशिप का कंपनी है उसी से उनको निकाल दिया गया। अब जब मेरे जो सब्सक्राइबर है वो उनको फोन करते हैं, कॉल करते हैं, ना वो आदमी उनको कोई कांटेक्ट करता है और ना कुछ, ना मैसेज तक का रिप्लाई करता है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास अभी ना कोई जॉब है, ना उनको कुछ पता है कि कैसे क्या करना है और ये सिचुएशन पे उनको क्या करना चाहिए। और उनको ये भी डर है उनके नाम पे जो उनके पार्टनर थे वो कोई लोन ना लेके रख लिया हो, तो वो पूरे अभी फंसे हुए। तो उन्होंने मुझे स्नैपचैट के थ्रू कांटेक्ट किया और मुझसे हेल्प मांगा कि उनको क्या करना चाहिए कि क्या नहीं। जैसा आपने मुझसे पूछा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर लीगल प्रोसेस में देखे अगर आप कोई कंपनी के ओनर नहीं हो तो आपके पास पार्टनरशिप वीजा नहीं होना चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द आपका पार्टनरशिप का जो वीजा है वो कैंसिल करवाना चाहिए। और रहा सवाल लोन का, तो जैसा आपने मुझे बताया कि कंपनी का जो अकाउंट है वो आपके नाम पे है, तो आपको काइंडली आपके बैंक में कॉन्टैक्ट करके पूछना चाहिए कि आपके नाम पे कोई लोन है कि नहीं। अगर कोई लोन है तो आपको पुलिस के पास कंप्लेन करना चाहिए या फिर आपको कोई कोर्ट में जाके केस फाइल करना चाहिए। मेरे जो बाकी व्यूअर्स है और जो विजिट वीजा या फिर दुबई आने वाले हैं जॉब ढूंढने के लिए, मैं उनको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे ऐसे स्कैम ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं। देखिए कोई आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको वो यूरोप भेज देंगे या फिर यहाँ पे कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस के लिए ऑफर कर देंगे, तो आपको ये सब चीज़ों में से बचना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ें फ्रॉड होते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि आपको कोई बिना पैसे में क्यों देने वाला है कोई भी कंपनी का पार्टनरशिप। अगर आप लोग ऐसा शॉर्टकट लेने जाओ देख लेना कि आप लेने के चक्कर में देना ना पड़ जाए, यानी आपके ऊपर लोन फाइन डिपोटेशन उसके साथ साथ लाइफ टाइम यूएई बैन भी हो सकता है। तो आप लोग जो डिसाइड करेंगे वो अच्छे से कीजिए। और जो लोग विजिट वीजा पे आ रहे हो उनको बहुत अच्छे से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अगर विजिट वीजा पे आते हो जॉब ढूंढने के लिए या फिर जॉब सीकर वीजा लेके यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आते हो, तो काइंडली आप जॉब इंटरव्यू फेस कीजिए। अपने कैपेबिलिटी पे जॉब मिले तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ऐसे शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर शॉर्टकट आप लेने जाओगे तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं और उसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम के लिए यूएई पे बैन भी मिल सकता है, जो आपके लिए एक अच्छा बात नहीं होने वाला है। तो ये थे सारे डिटेल्स जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो काइंडली मेरे ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।